वेलकम स्टूडेंट, मैं हूँ चिंतामयी। आज का हमारा चैप्टर है फर्स्ट फंक्शन रिलेशन एंड फंक्शंस। कंसेप्ट हमारा वन वन एंड ऑन टू फंक्शन। सो नाउ वन वन फंक्शन, ये हमें ये बात मिली है, ए फंक्शन एफ सच दैट एक्स टू वाई इज डिफाइंड टू बी वन वन और इंजेक्टिव इफ द इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ एक्स अंडर एफ आर डिस्टिंक्ट, दैट इज फॉर एवरी एक्स वन एक्स टू बिलोंग एक्स इंप्लाइज एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू इंप्लाइज एक्स वन equal to x2, otherwise f is called many one. So now one one function, वन वन फंक्शन का हमारा एल्जेब्रिकली एक्सप्रेशन है एफ वन एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू। तो कहा हमसे कि वन वन और इंजेक्टिव फंक्शन में हमारे जो इमेज है डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ एक्स, एक्स का मतलब है कि डोमेन है, एक्स क्या होता है डोमेन, और वाई हमारा एक ओ डोमेन फंक्शन है हमारा एफ सच दैट एक्स टू वाई। तो एक्स हमारा है डोमेन और बाई हमारा होता है कोडोमेन। तो ये हमारे एक्स के एलिमेंट है, ये कोडोमेन के एलिमेंट है, ये डोमेन के एलिमेंट है। डोमेन को हम एक्स से डिनोट करते हैं और कोडोमेन को हम बाई से। तो वन वन फंक्शन के लिए क्या हमारी कंडीशन है कि एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू मीन्स एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू, मतलब एक सिंगल एलिमेंट की जो इमेज है वो हमारी सिंगल ही होती है। ये कि एक सिंगल एलिमेंट के इमेज, ये हमारा जो कोडोमेन होता है इसमें से ही इमेज आती है, किसकी डोमेन के एलिमेंट होते हैं वन की। जब हम एक्स वन की जगह इसके एलिमेंट रखेंगे डोमेन के, तो हमारा जो एफ एक्स वन आएगा वो हमारा इसको बिलोंग करेगा कोडोमेन को, मतलब एक्स वन की जो इमेज होगी वो ये एफ एक्स होगी जो कोडोमेन को बिलोंग करेगी। सारे एलिमेंट ऑफ कोडोमेन मे बी नॉट इमेज, मे बी मतलब वो सब इमेज भी हो सकते हैं नहीं भी हो सकते सारे एलिमेंट, लेकिन बर्मन के लिए है कि एक सिंगल एलिमेंट की जो इमेज है हमारी सिंगल होती है। वन की इमेज जो आई हमारी ये ए आ गई, तो फिर इसके अलावा कोई दूसरी इमेज नहीं आएगी। इस तरह से टू की इमेज हमारी बी आई, एफ एक्स, एफ एक्स क्या है हमारा इमेज, और एक्स हमारे पास आए डोमेन से, तो एक्स इसके लिए हमने
तो फिर जो एफेक्ट हमारा आया वो कोडोमेंस आता है और वो हमारा इमेज कहलाता है। सारे एलिमेंट्स जो है ना कोडोमेन के जरूरी इमेज बन जाए, कुछ एलिमेंट भी बन सकते हैं इमेज, सारे भी बन सकते हैं इमेज, लेकिन वर्बन के लिए हमारे जरूरी है कि एक सिंगल एलिमेंट की एक ही इमेज होगी। और अंडर एफ का मतलब है कि अंडर एफ मतलब कि जो डोमेन है उसके सारी एलिमेंटों की इमेज होगी, इधर कोई भी एलिमेंट बचेगा नहीं, वरना फिर वो अंडर एफ अर्थात फंक्शन ही नहीं होगा। इसलिए वर्बन के लिए हमारा जरूरी है कि सिंगल एलिमेंट की एक ही इमेज हो, तो वह हमारा वर्बन कहलाएगा। अब एग्जाम्पल से हम इसे समझेंगे। हमारे पास एग्जाम्पल है कि फंक्शन एफ है हमारा एन एन टू एन, ये हमारा फंक्शन है एफ सच दैट एन टू एन एंड एफ एक्स, ये हमारा फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। ये फंक्शन जो होते हैं हमारे स्पेशल रिलेशन ही होते हैं, स्पेशल रिलेशन को हम जो ना फंक्शन कहते हैं। इसलिए जहां पहले एक्सरसाइज में रिलेशन लिखते थे वहां अब उस रिलेशन को स्पेशल रिलेशन के रूप में एफ एक्स लिखते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स। तो हम अब हम जो ना इस डोमेन से, ये हमारा डोमेन है एक्स, ये हमारा को डोमेन है वाई, तो x से हम एलिमेंट लेंगे, x से हम कोई एलिमेंट लेंगे, मान लिया इसमें से हमने x1 एलिमेंट ले लिया तो एफ एक्स वन, तो ये हमारा आएगा टू एक्स वन। हमने x1 की जगह यहां x की जगह x1 रखा, तो यहां हमने x1 रखा, तो ये टू एक्स आ गया हमारा, तो ये हमारा एफ एक्स आ गया एफ एक्स वन। सिमिलरली हम एफ एक्स टू रखते हैं तो फिर हमारी ये एफ नो टू एक्स वन, नहीं ये टू है ना, तो ये टू आएगा टू एक्स टू, तो ये हमारा टू मतलब हमारा ये एफ एक्स टू आ गया टू एक्स टू। अब बनवाने के लिए जरूरी है हमारा कि एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू, तो हमने इनकी वैल्यू रखी टू एक्स वन इज इक्वल टू टू एक्स टू, हमारा आ गया टू से टू कैंसिल एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू, तो ये हमारा फंक्शन वन वन हुआ। वैसे भी जैसे ये नेचुरल नंबर है तो एक नेचुरल नंबर रखेंगे तो उसकी इमेज जो है इसमें एक्स वन में एक ही इमेज आएगी, ऐसा नहीं कि इधर के दो एलिमेंट की कोई इमेज, अगर एन एन है और ये हमारा फंक्शन है टू एक्स, तो फिर हमारा टू एक्स एक ही इमेज बनेगी, दो एलिमेंटों की एक इमेज नहीं बनेगी जब फंक्शन हमारा 2x है एफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स। तो ये हमारा फंक्शन बन बन हुआ कि सिंगल इमेज बनती है एवरी एलिमेंट की बिलोंग टू डोमेन। नाउ on to हमें लिखा है इसमें ऑन टू के लिए ये फंक्शन एफ सच दैट एक्स टू वाई इज सेड टू बी ऑन टू और सब्जेक्टिव इफ एवरी एलिमेंट ऑफ वाई इज द इमेज ऑफ द सम एलिमेंट ऑफ एक्स।
under f. That is, for every y belong y, there exists an element x in x such that fx is equal to y. तो हमारा इसका algebraical expression है fx is equal to y. On to believe. On to का मतलब होता है कि ये हमारी इस एलिमेंट की इमेज है, ये हमारी इस एलिमेंट की इमेज है, ये हमारी इस एलिमेंट की इमेज है और ये हमारी इस एलिमेंट की इमेज है. मतलब जो हमारा कोडोमेन है, कोडोमेन उसके जितने एलिमेंट हैं वो सब इमेज बने हुए, वो सब इमेज किसकी, डोमेन के एलिमेंट्स की. और डोमेन का एवरी एलिमेंट्स तो इमेज वाला होगा, एवरी एलिमेंट इमेज वाला होगा. अगर इमेज नहीं होगी किसी एलिमेंट की तो फिर फंक्शन नहीं होगा, अंदर एफ ही नहीं होगा. इसलिए डोमेन के एवरी एलिमेंट की इमेज होगी और कोडोमेन का यदि एवरी एलिमेंट इमेज बन जाता है, कोई एलिमेंट ब्लैंक नहीं रहता है ना. फॉर एग्जाम्पल यहां हम लिख देते ई एफ, अगर ये एलिमेंट इसमें और होते तो ये इसकी ये खाली रह गई, तो ये फिर ये जो ना ऑन टू नहीं होगा, ये ऑन टू कि या इसके जो एलिमेंट जितने भी हैं, जितने हमारे एलिमेंट थे, ये हमारे एलिमेंट है इसके, ये सभी एलिमेंट जो ना इमेज बने हुए हैं. मतलब कि जो कोडोमेन है, जो एक कोडोमेन है बाई इक्वल टू एफ एक्स अर्थात इमेज, कि जो हमारा कोडोमेन है वो इमेज के इक्वल हो, ये मतलब है. यहां कोई भी एलिमेंट कोडोमेन का ब्लैंक नहीं रहना चाहिए. तो ये हमारा ऑन टू का एक्सप्रेशन. ये एग्जाम्पल थी हमारी, एग्जाम्पल कि जो हमारा डोमेन भी नेचुरल नंबर है और कोडोमेन भी नेचुरल नंबर है. ये हमारा डोमेन होता है और ये हमारा कोडोमेन होता है, ये दोनों ही नेचुरल नंबर है. अब हम इसमें से नेचुरल नंबर यहां पुट करते हैं, ठीक है. तो ये हमारा क्या आएगा, टू आएगा. मान लिया हमने वन पुट करा, एफ वन, तो ये हमारा टू आ गया. सिमिलरली टू पुट करें तो फोर आ जाएगा, थ्री पुट करेंगे सिक्स आ जाएगा. लेकिन कुछ एलिमेंट ऐसे होंगे इसमें इधर के एक कोडोमेन में जो इमेज नहीं बनने होंगे. फॉर एग्जाम्पल वन, इसका जो वन है क्योंकि ये भी तो नेचुरल नंबर है ना, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स. अब हमने निकाला एफ एक्स वन तो हमारा क्या आ गया, टू आ गया. तो वन कहा, वन जो हमारा इसमें है वो किसी की इमेज नहीं बनना. मतलब ये कि बाई जी कंट्रोल ने बन रखा और एफ एक्स हमारा टू एक्स है, यही तो है. तो वन डी एक्स वन अपॉन टू. तो एक्स क्या, इस हमारे एक्स क्या है, हमारा डोमेन. एक्स इसका एलिमेंट है डोमेन का, तो क्या ये हमारा डोमेन में है वन बाई टू, नहीं, क्योंकि डोमेन में भी तो नेचुरल नंबर है और वन बाई टू नेचुरल नंबर नहीं होता. तो यदि हम को डोमेन के वन को ले तो वो किसी की इमेज नहीं बनना, अर्थात उसकी कोई प्री इमेज नहीं है डोमेन में, उसके लिए वन के लिए कोई इसमें कोई एलिमेंट नहीं है जो प्री इमेज बन जाए वन की, इसलिए वो वन जो ना ब्लैंक रह गया, वो किसी इमेज नहीं बन रहा. तो इसका मतलब है इसके सारे एलिमेंट को डोमेन के इमेज नहीं बन रहे. इट मीन्स कि एफ एक्स नॉट इक्वल वाई, कोडोमेन जो है ना वो इमेज के इक्वल नहीं है. इसलिए सो ये जो हमारा फंक्शन है फिर ऑन टू नहीं होगा, क्योंकि इसमें वन जो है ना ब्लैंक रहेगी एग्जाम्पल में. अब ये जो फंक्शन हमारा है
इसने एवरी एलिमेंट ऑफ द क्वाटर्नियन इज इमेज ऑफ द एलिमेंट ऑफ द कोडोमेन, कोडोमेन के एलिमेंटों की इमेज है कौन, डोमेन का एवरी एलिमेंट, और कोई ब्लैंक नहीं है, इसलिए कैसा फंक्शन है ओन टू, इसको क्या कहते हैं हम ओन टू। नाउ यदि फंक्शन वन वन भी हो, जैसे इसकी इमेज वन वन है, एक एलिमेंट की एक इमेज है, और ओन टू भी हो, वन वन और ओन टू भी हो, तो इसको हम कहते हैं बाइजेक्टिव। क्या कहते हैं इसको हम बाइजेक्टिव। यदि फंक्शन वन वन भी है ओन टू भी है तो उसको हम बाइजेक्टिव कहते हैं। मान लिया कोई फंक्शन जैसे हमारा थी एग्जाम्पल नेचुरल नंबर वाली, वो क्या नहीं था हमारा ओन टू नहीं था, ओन टू नहीं था ना, तो फिर हम उसे और कुछ भी कह सकते हैं। अगर कोई चीज ओन टू नहीं है तो उसको हम कहते हैं इनटू है। क्या है इनटू है। यदि हमसे कोई पूछे बताओ ये फंक्शन इनटू है, तो आप क्या बताएंगे, उसे बता देंगे कि ये ओन टू नहीं है। ऑन टू नहीं है का मतलब कि वो इन टू है, राइट। नाउ मैनी वन का मतलब क्या होता है, मैनी वन का मतलब होता है डोमेन के, ये हमारा डोमेन है, ये कोडोमेन है, यदि डोमेन के मोर देन वन एलिमेंट की इमेज जो ना एक है, एक से ज्यादा एलिमेंट की डोमेन के, डोमेन के एक से ज्यादा एलिमेंट की इमेज कितनी है एक है वन है, तो ये मैनी वन कहलाएगा। इसमें वन और टू की इमेज क्या है ए है, तो ये मैनी वन कहलाएगा, राइट। और ये ऑन टू भी है कि यहां कोई ब्लैंक नहीं रहा, जितनी इमेज है उतना ही हमारा कोडोमेन है, कोडोमेन बराबर इमेज के एफएक्स के, तो फिर ये हमारा मैनी वन ऑन टू कहलाएगा। और मान लिया यहां कोई एलिमेंट ब्लैंक रह गया और मैनी वन भी है और ब्लैंक भी रहा, मतलब पूरी जो हमारी कोडोमेन है वो इमेज के कुल नहीं है, तो फिर ये ऑन टू नहीं होने का मतलब सर्जेक्टिव नहीं है, राइट। नाउ क्लास ओवर, गात सुनना है तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थैंक्स। Thank you.